कल उसके अध्यक्ष यहाँ पे आए थे आपको बड़ा बोल के। उस मीटिंग में सभी ऑफिसर्स, रीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सीएस और हमारे एमपी साहब और राजशेखर पाटिल साहब, इस तरह से सभी लोग आए थे। और मैं स्पेशली हमारे असेंबली खत्म होते कि इमीडिएट हैदराबाद आ गया, हैदराबाद से वो मीटिंग अटेंड किया। मीटिंग में बहुत ही सीरियस डिस्कस किया हूँ, क्योंकि दो साल से एचकेडीबी में फंड नहीं दे रहे, लास्ट टाइम कोरोना बोल के एक रुपया नहीं दिए। इस बार मैं मीटिंग में बहुत से मुद्दे उठाया, तो उसमें कुछ मुद्दे सॉल्यूशन किए हैं। जो बिदर में मेन रिंग रोड जो 50% कम हुई, जो लास्ट में 50 करोड़ रुपए सिद्धरामैया साहब सीएम थे जब 50 करोड़ रुपए लाके, और उससे पहले फॉर्मेशन के टाइम मैं और हर्ष गुप्ता डीसी थे जब रोड कच्ची फॉर्मेशन किए, बाद में सीएम सिद्धरामैया आने के बाद उसको रोड पक्की किए, 50 करोड़ रुपए लगे उसको, थोड़ा सा 3 किलोमीटर रोड बच गया था जो चितपेट से अलियाबाद तक, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं कल कल्याण कर्नाटक के अध्यक्ष एमपी को, एमपी साहब खोबा साहब को, फिर हमारे राजशेखर पाटिल साहब को, सभी को स्पॉट विजिट कराया हूँ। उसमें डीसी भी आए थे और डिविजनल कमिश्नर भी आए थे, सभी ऑफिसर्स आए थे। तो रोड देखने के बाद वो वहाँ पे 15 करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो 15 करोड़ रुपए देखने बोल के कबूल लिए हैं। इसके लिए हमारे एमपी साहब भी सपोर्ट किया मुझे, और हमारे राजशेखर पाटिल साहब भी सपोर्ट किए कि नहीं, वो रोड के, वो डिस्ट्रिक्ट की इधर क्या है, हेडक्वार्टर है, सभी लोगों के लिए है। तो वो रिंग रोड बन गया तो कंटिन्यूशन नौबा से होते हुए ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया से लेके वेटनरी कॉलेज तक पिछले 50 करोड़ रुपए बजट में बन के हैं। अगर ये क्लियर होगा तो रिंग रोड कंप्लीट होती है, होते हुए वेटनरी कॉलेज से होते हुए फिर आगे वापस इधर देवदेव गार्डन को मिलती है। तो इसके लिए मैं पर्सनली रिक्वेस्ट किया हूँ, और दूसरे हाई फंड दूसरे रिलीज करने के लिए बोला हूँ, वो भी स्कूल रोड्स या पानी ड्रिंकिंग वाटर, इसके लिए भी अलग से पैसा मांगा हूँ, वो भी 10 करोड़ रुपये देते बोल के ऑलरेडी प्रपोजल लिए हैं हमसे, और विद इन 1 महीने 2 महीने में सैंक्शन होगा।